हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग जाने वाले हैं ओडिशा पे स्थित हो रहे गिरी गोवर्धन पूजा, जो कि गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, तो हम लोग जा रहे हैं कोमो, जहाँ पे गिरी गोवर्धन पूजा होता है। और ये हमारे गाँव से करीबन 10 किलोमीटर होगा फ्रेंड। तो हम लोग जा रहे हैं और आप लोग को दिखाएंगे वीडियो पूरे एंड तक, बने रहिएगा वीडियो पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनने वाला है। तो फ्रेंड, तो चलो चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा, व्यू और कैसा होता है गोवर्धन पूजा। तो चलो चलते हैं फ्रेंड, देरी ना करते हुए, और आपको दिखाते हैं गोवर्धन पूजा का पूरा वीडियो। तो वीडियो पे मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड। तो चलो चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कोमो का पूरा वीडियो। तो फ्रेंड, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कोमो। तो फ्रेंड, ये जो अभी मेला गिरी गोवर्धन का लगा हुआ है, ये कोमो के जंगल पे लगा रहता है फ्रेंड, तो पठार के ऊपर में लगता है ये मेला। तो काफ़ी मजा लगता है फ्रेंड। तो मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर भाई लोग भी मिले हैं और मेरे स्कूल के फ्रेंड लोग भी मिले हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है यार। सब्सक्राइबर भाई लोग मिलते हैं तो हम लोग कुछ बोलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोग भी कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हो प्लीज ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो देख ही रहे हो फ्रेंड कितना पूरा एकदम से भीड़ लगा हुआ है। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर पे कैसा है सब कुछ आप लोग को बताते हैं। तो मेरे साथ ब्लॉग पे एंड तक ज़रूर बने रहेगा फ्रेंड, ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। तो चलो चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं ऊपर का पूरा व्यू और पूरा वीडियो। तो एंड तक जरूर बने रहेगा फ्रेंड, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग अब पहुंच चुके हैं, थोड़ी दूर है, हालत बैंड हो चुका है फ्रेंड। और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का वीडियो कैसा है, क्या है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर दीजिएगा फ्रेंड। तो आ चुके हैं, तो फ्रेंड नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पे कुआं हुआ कुछ है, तो देख के आते हैं नीचे का व्यू कैसा है और आप लोग को भी दिखाते हैं। और यहाँ पे कुछ बाबा का गुफा टाइप से है, तो वहाँ पे भी जाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं और नीचे की ओर आप लोग को भी दिखाते हैं नीचे का व्यू कैसा है। तो फ्रेंड, इस साइड 7 कुआं हैं, तो इस साइड जाते हैं लोग, पार करते हैं कुआं को, काफ़ी मज़ा आता है फ्रेंड। तो चलते हैं जितना दूर तक हो सके जा पाएंगे तो जाते हैं, काफ़ी भीड़ है ना फ्रेंड, उसी चलते जाना दिक्कत होता है। तो चलो चलते हैं और आप जितना दूर तक हो सके आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड देख रहे हो कितने सारे पूरा भीड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे एक गुफा है, तो गुफा पे भी आप लोग को लेके चलता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ मैं वहाँ का वीडियो। तो फ्रेंड काफी सारे भीड़ हैं, उसी चलते हम लोग कुआं की ओर तो नहीं जा पाए। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक गुफा है वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं फ्रेंड, और गुफा पे ऋषि मुनि कुछ हैं वहाँ पे, वैसे बोल रहे थे। तो चलते हैं और आप लोग को दर्शन कराते हैं वहाँ का वीडियो। तो देख ही रहे हो हमारे गांव के बच्चे लोग भी आए हैं यहाँ पे, तो आप लोग को अंदर का व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक ऋषि मुनि है, बोलते हैं यहाँ पे गांजा वांजा कुछ रख देते हैं, तो सुबह तक वो गांजा नहीं रहता है। तो यहाँ पे कुछ
पुराने परंपरा है फ्रेंड, पुराने ज़माने के यहाँ पे ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे ऐसा बोलने में सुनने में आता है। तो देख ही रहे हो यहाँ पे, दर्शन कर लीजिए ऋषि मुनि का भी। तो यहाँ पे प्रसाद प्रसाद भी दिया जा रहा है सभी को और बहुत ही अच्छा लगता है यार यहाँ पे आने से। यहाँ का पूरा वातावरण काफ़ी शांत है, जंगलों से घिरा हुआ यह जगह पूरा पर्यटन टाइप से है। यहाँ पे आप लोग पिकनिक भी मना सकते हो यहाँ पे आके। बाकी दिनों तो नहीं आते हैं, बस दीपावली के अगले दिन यहाँ पे गिरी गोवर्धन, जो गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। तो देख ही रहो फ्रेंड कितने सारे भीड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ मंदिरें हैं जहाँ पे पूजा हो रहे हैं, तो वे भी दिखाता हूँ आप लोग को। और देख ही रहो फ्रेंड आप लोग कितने सारे भीड़ यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो के माध्यम से। काफ़ी ऊपर है उसी चलते ज़्यादा मेला वेला नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। एक ही दिन का यहाँ पे पूजा चलता है गिरी गोवर्धन। तो चलो चलते हैं और आप लोग को मंदिर का वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पे बजरंग जी, बजरंग बली जी और यहाँ पे श्री कृष्ण जी का यहाँ पे पूजा वूजा होता है। और इस दिन गायों को खाना खिलाते हैं। और यहाँ पे एक शंकर जी का भी मंदिर है, काफ़ी छोटा मंदिर है तो भीड़ तो लगा हुआ है फ्रेंड, उसे ही चलते अंदर का वीडियो नहीं दिखा पाया आप लोग को। यहाँ पे श्री कृष्ण जी का भी एक मूर्ति बनाया गया है और यहाँ पे आए गए दर्शकों के लिए भी यहाँ पे भोजन का भी व्यवस्था किया गया है ताकि यहाँ से भोजन करके सभी लोग जाएं। तो आप भी आइएगा फ्रेंड। और यहाँ का जो भी मूर्ति वगैरह सब कुछ यहाँ का लुफ्त उठाएगा। तो रिटर्न चलते हैं अब घर की ओर। तो आते टाइम का व्यू का नज़ारा कैसा है आगे साइड का आप लोग को दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत है फ्रेंड, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे धूप कर रहा है। नीचे की ओर चलते हैं, अब रिटर्न जाते हैं फ्रेंड। तो कैसा लगा ब्लॉग एकदम? तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सॉरी यार वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन गया, उसी के चलते मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय टाटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।